हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम बहादुर यादव। सर आज मैं देख रहा हूँ आप थाना सिगरारा पर साइकिल पर माननीय अखिलेश यादव जी का तस्वीर लगाकर और समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर, आप इसका क्या मकसद है आगामी चुनाव को लेकर? पहले अपना परिचय देता हूं आपको। मेरा नाम श्याम बहादुर यादव है, जिला सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जौनपुर कारकरणी में है। हम तपस्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है समाजवादी अखिलेश भैया की सरकार लाने के लिए, जो सर समाज के नेता हैं, ब्राह्मण से लेकर बनबंसी तक। समाजवादी विचारधारा ऐसा है, समाजवादी विचारधारा उसकी परिभाषा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई। और समाजवादी एक जो लाल टोपी के वो लोग विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, ये एक लाल अन्याय के विरुद्ध है। समाजवादी पार्टी अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ती है, ये एक क्रांति है। लाल टोपी पे जो बोल रहे हैं उनको सर में आना चाहिए कि लाल चुनरी माँ के चरणों में चढ़ती माँ को चढ़ता है, लाल फूल है माँ के चरणों में चढ़ता है, वो माँ का अपमान कर रहे हैं। ये गंगा जमुना की धरती है, रामकृष्ण की धरती है, यूपी हमारी माता है, यूपी को हमें बचाना है, अखिलेश भैया की सरकार लाना है। ये सर समाज के नेता हैं, ब्राह्मण से ले कर बनबंसी तक सर समाज के नेता हैं। और खुशहाली के दिन लाएंगे, छात्र नौजवान सब बेरोजगार हो गए, बदहाली के दिन आए, महंगाई कहाँ पहुँच गई, किसान कुचले गए हैं, जबरदस्ती किया जा रहा है। और पत्रकार भाइयों से, पेपर के और सभी मीडिया के लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो हैं पारदर्शिता करिए कि जो है अन्याय के विरुद्ध लड़ाई आप लड़ते हैं। एक स्तंभ है भारत देश के, जो कि सब एडवर्टाइज चल रहा है, पेपर कोई उठाइए तो समाजवादी पार्टी का कहीं पे कोई फोटो नहीं, अखिलेश भैया जो भी बता रहे हैं छोटे अक्षर में थोड़ा सा संक्षिप्त में लिख रहे हैं, ये भी तो एक है, गलत हो रहा है। और ये तपस्वी हम हैं, श्याम बहादुर यादव तपस्वी हैं, हम तपस्या अपना पूर्ण करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पे भ्रमण कर रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाले हैं, ये हम अपना तपस्या पूर्ण करेंगे और अखिलेश भैया की सरकार बनाएंगे। जय समाजवाद, जय अखिलेश।